मैंने इसको डिवाइड किया है 5 चैप्टर्स। एक्चुअली में जब आप TCP/IP मॉडल देखते हैं, रेफरेंस मॉडल है ये, इसमें 5 लेयर्स होती है। 5 लेयर्स में वर्क करता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन। और जो IT वाले स्टूडेंट हैं, आपको ये नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से होगा TCP/IP कर। तो हमने इसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया। चैप्टर वन का आपका फिजिकल। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसमिशन मोड, सेकेंड टॉपिक इसमें वी विल डिस्कस टोपोलॉजी नेटवर्क, इन नेटवर्क, थर्ड वन इज ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे एनकोडिंग स्कीम। वी विल डिस्कस ओनली 2 एनकोडिंग स्कीम्स, दोज नेम इज मैनचेस्टर एनकोडिंग एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। नेक्स्ट आवर टॉपिक इन दिस चैप्टर इज ISO OSI मॉडल। ISO OSI मॉडल एंड नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज नेटवर्क डिवाइसेस। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस। इज इट क्लियर? यस सर। नोट कर लीजिए आप इस क्रम में, आपको दूसरा चैप्टर होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे पूरा।
हो गया? यस सर। चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड। सेकंड चैप्टर चैप्टर सेकंड में जो है वो आपका सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे डिलेस इन नेटवर्क। डिलेस इन नेटवर्क नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। Yes. This one is circuit switch. Virtual circuit switch. Virtual. ये फर्स्ट टॉपिक है। ये थर्ड वन इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। फोर्थ चैप्टर इज फोर्थ टॉपिक इन दिस फ्लो कंट्रोल। इन फ्लो कंट्रोल we will discuss stop and wait protocol, GBL, go back n, GBN, go back n and selective repeat protocol. ये टॉपिक ऐसा है जिसमें गेट से हर साल दो नंबर का क्वेश्चन आता है। ईच एंड एवरी ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप जो भी पेपर देखेंगे किसी भी एग्जाम का हो, टेक्निकल कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें कंप्यूटर नेटवर्क है तो फ्लो कंट्रोल से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। देन फ्लो कंट्रोल के बाद हमारे पास है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में हम पढ़ेंगे टोकन पासिंग। नहीं, एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है आपका TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसके बाद पोलिंग, पोलिंग है, देन CSMA/CD और उसके बाद जो है अलोहा और टोकन पासिंग। टोकन पासिंग ये हमारा सेकंड चैप्टर का सिलेबस है। प्लीज नोट डाउन कर लें इसको जल्दी से। CSMA/CD कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंसिंग मल्टीपल
उसके बाद अलोहा लिखा हुआ है, अलोहा को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। नेक्स्ट है टोकन पासिंग मैथ। सर पेज थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट जब अब देख रहा है। नो सर। अब स्क्रीन पे क्या विजिबल है आपको? सर चार नंबर तक का पूरा दिखाई दे रहा, पांचवा वाला आधा दिखाई दे रहा बस। सर हम लोग भी स्क्रॉल कर सकते हैं सर बोर्ड को। सर एक्सेस कंट्रोल भी दिख रहा है क्या? सर फिफ्थ पॉइंट भी दिख रहा है, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं हो गया। ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया, ठीक है, हो गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिलेज इन कंप्यूटर नेटवर्क, देन पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, उसके बाद एरर डिटेक्शन करेक्शन, देन फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में सबसे पहला टॉपिक होगा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, उसके बाद गो बैक एंड, देन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। फिफ्थ चैप्टर जो होगा उसमें होगा एक्सेस कंट्रोल मेथड, जिसमें TDM, पोलिंग, CSMA/CD, अलोहा और टोकन पासिंग होगा। इस चैप्टर से गेट में कभी कभी चार नंबर का भी पूछ लेगा, मिनिमम टू मार्क्स का तो आते ही आता है। श्योर शॉट है कि टू मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, ये टॉपिक ऐसा है यहाँ से टू मार्क्स का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, यहाँ से टू मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, यहाँ से हो गया ये। Yes, sir. अब हम बात करते हैं चैप्टर थ्री की, प्लीज लिसन केयरफुली। चैप्टर थ्री वी विल डिस्कस इन लैब, डिस्कशन लैब। क्यों? क्योंकि यार सिलेबस बहुत बड़ा है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए इस चैप्टर को मैं लैब में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस वाले चैप्टर को हम लैब में पढ़ेंगे। अब देखिएगा ऑनलाइन टू बी फ्रेंक लैब आपको सेटअप कराना वो मजा नहीं आएगा, तो उससे अच्छा है कि हम इसमें चैप्टर थ्री की स्टडी करेंगे। चैप्टर थ्री मतलब पूरा जो लैब का पार्ट है वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेसिंग के बाद IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 हेडर फॉर्मेट। थर्ड वन राउटिंग एल्गोरिथम, जिसमें आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम एंड लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ना है। फोर्थ जो है
प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्क लेयर, प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्क लेयर, फॉर एग्जांपल एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, बूटपी, डीएचसीपी एंड इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये मेरा थर्ड चैप्टर का सिलेबस है, क्लियर है, जिसको हम लैब वाले पोर्शन में डिस्कशन करेंगे। जब जब लैब होगी हम उसमें ये वाला चैप्टर डिस्कशन। Clear? It's clear to you? यार आप लोग reply नहीं देते हैं। Yes sir. चल next मेरा chapter है, chapter number 4. Chapter 4 को हम क्या है? Basically layer का नाम क्या है? Transport layer. तो चैप्टर फोर में वी विल डिस्कस चैप्टर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और सॉकेट पे कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक ऑफ सॉकेट। यहां से भी दो नंबर का गेट में श्योर शॉट क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। गेट में करीब करीब कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो 7 to 9 marks का। चैप्टर 5 जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे बेस्ड है, जिसमें हमको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स पढ़ना है, फॉर एग्जांपल एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। अब हम सबसे पहले सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, पहले सेकंड चैप्टर, क्योंकि सेकंड चैप्टर थर्ड और फोर्थ ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर डिस्कशन करेंगे, आपके उसमें मिड टर्म में या मिनी होगा, क्या मिनी होगा ना, मिनी में सेकंड चैप्टर आएगा, मिड टर्म में आपका थर्ड चैप्टर में कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए, और फर्स्ट चैप्टर और फाइनल में पांचवा चैप्टर। तो सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लैब में हम थर्ड चैप्टर डिस्कशन करेंगे। तो मेरा प्लान आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल? अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स है या कुछ आप चेंजेस चाहते हैं तो आप मुझे बताइए।
अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बोले भाई हिमांशी सर, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल भी होंगे इसमें? क्या कह रहे हो? हेलो सर, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल ही है या प्रैक्टिकल्स भी होंगे इसमें? नहीं, प्रैक्टिकल्स होंगे यार। मैं कोशिश करूंगा कि आपके थर्ड चैप्टर में कंप्लीट होने के बाद आपका उसको एक आध प्रैक्टिकल पैकेट ट्रेसर पे करा दूँ। अगर आपको उसके लिए आपको पैकेट ट्रेसर जो है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, पैकेट ट्रेसर लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। एनी अदर डाउट? इस सब्जेक्ट का नाम जो है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये और कंप्यूटर नेटवर्क दोनों सेम ही है ना? इसमें सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन वर्ड बढ़ा दिया है। सेम है मेरे भाई। आईटी में इसको डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या वो ट्रांसमिशन मोड एक्स्ट्रा पढ़ने को हो जाते हैं, ठीक है? ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया। सीएसई और ईसी में इसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया नहीं पढ़ते, एनकोडिंग स्कीम वगैरह। बेसिकली ये पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पार्ट है। और कुछ? अभिषेक आनंद, अंकित कुमार आर्या, और अभी बता दूं पेपर पूरा का पूरा आपका चाहे वो मिनी हो, मिड हो या फाइनल एग्जाम होगा, पेपर पूरा न्यूमेरिकल बनेगा और अच्छे लेवल का बनेगा। इसलिए प्लीज अपने डाउट सारे क्लियर करके चले। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं कि डिलेस क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले तो हम यही डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। आप लोग बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कोई बताएगा? सर, एक डिवाइस का किसी दूसरे डिवाइस या इंटरनेट से कनेक्शन। जरूरी है इंटरनेट हो? बिना इंटरनेट के हम कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बोल सकते क्या? हाँ सर, किसी दूसरे डिवाइस से भी कनेक्शन। यस, सिंपली कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। अब जब उसमें डिवाइसेस में नेट कंप्यूटर आ गया तो हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहने लगे। सिंपली
कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। अब ये कनेक्शन कर क्यों रहे हम? फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कम्युनिकेशन, कि भाई दो मशीनें हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा ह्यूमन नेटवर्क हो गया, ह्यूमन नेटवर्क, ठीक है ना। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन हो रहा है, वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसे डिवाइसेस को कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जब डिवाइसेस में कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सिंपली ये कनेक्शन क्यों करते हैं? सिंपली हम कनेक्शन करते हैं कम्युनिकेशन करने के, कम्युनिकेशन करने के। अब इसमें देयर इज अ मेजर रोल ऑफ डिलेस, डिले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डिलेस होता क्या है, डिले क्या होता है, वेरियस टाइप के डिलेस होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात तो करें कि डिले होता क्या है। सपोज ये सोमवीर है, ठीक है, और ये पारुल है। अब इन दोनों को कम्युनिकेशन कर रहा है, इन दोनों को कम्युनिकेशन कर, तो इसने कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए, ये रहा मीडियम। अब सोमवीर जो है पारुल से कम्युनिकेशन करना चाहता है, सोमवीर वांट्स टू कम्युनिकेट विद पारुल। मान लीजिए इसने ये एक लेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर, मान लीजिए लेटर के थ्रू कम्युनिकेट, तो डिलेस क्या होगा? ये लेटर जो है कंप्लीटली पारुल तक पहुंचने में, लेटर एल, ये लेटर कंप्लीटली पारुल तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज डिलेस। अब इस लेटर को पारुल तक पहुंचने में, और पारुल जब तक इसको पढ़ नहीं लेती, उसमें जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं डिलेशन नेटवर्क। तो डिलेस को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिले डिफाइंस हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर एन एंटायर मैसेज to completely arrive at the destination from the source. So here Sombir is a source and Parul is destination. Clear? Clear hua? Yes sir. अब हम इसमें चार तरीके के डिलेस को इन्वॉल्व करते हैं। पहला है आपका ट्रांसमिशन डिले, नेक्स्ट वन इज प्रोपगेशन डिले, थर्ड इज प्रोपगेशन डिले इज ऑल्सो नोन एज वन वे डिले। नेक्स्ट इज क्यूइंग डिले, फोर्थ इज प्रोसेसिंग। तो सोमवीर, सोमवीर आर यू देयर? सोमवीर यस सर। तुमने मेरी डीबीएमएससी क्लास अटेंड की थी ना? हाँ सर। कहाँ पे? यूट्यूब पे सर। हाँ, कैसी थी? बहुत बढ़िया। बाकी आप लोगों को जिसको भी अगर डीबीएमएस और डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 37 लेक्चर्स आए थे। कितने हैं सोमवीर? 37 ही है ना? 36 है सर, 36 या 37, 36।
37 है पूरा बेसिक से लेकर पूरा डीबीएमएस उसमें है, एसक्यूएल तक है, रिलेशनल अलजेब्रा सब कुछ है, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो वहां से पढ़ सकते हैं। और कितने लोगों ने अटेंड की थी सोमवीर? और भी एक दो लोग थे शायद मेरे हिसाब से, पता नहीं था और किसी का। चले तो प्रोपगेशन डिले के बाद क्या लिखा है? प्रोपगेशन डिले डिले भी बोलता है, ये है क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले। तो सोमवीर को यहाँ तक पारुल तक ये लेटर भेजने में और पारुल प्रोसेसिंग करेगी ये चार टाइम्स लगेंगे, ये चार डिले लगेंगे, ये चार डिले लगेंगे। इस चारों के कलेक्शन इन द कलेक्शन ऑफ ऑल फोर टाइम डिलेस आर नोन एज टोटल टाइम, टोटल डिले या टोटल टाइम, टोटल टाइम। क्लियर है? आज इतना ही डिस्कशन करेंगे, कल से क्लास आपकी, कल फ्राइडे है, फ्राइडे को आपकी क्लास है क्या? फ्राइडे को आपकी लैब है, तो लैब में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका आईपी एड्रेसिंग। ठीक है दोस्त, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, काफी दिन से खराब थी, इसलिए लास्ट वीक में भी क्लास नहीं हो पाई थी आपकी, लेकिन अब लास्ट वीक में नहीं, शायद मंडे को ही नहीं हो पाई है ना, मंडे से ही तो स्टार्ट हुआ है। आपके कंटिन्यूस क्लासेस होंगे, ठीक है? यस सर। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।